जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने इस पूरे स्विच स्टैंड के लिए दिए हैं सिर्फ 4 रुपए। हाँ, सिर्फ 4 रुपए। और यही नहीं, इसके साथ मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए, ये मैंने कैसे किया, कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ब्लॉग के बिगिनिंग से देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा ये कैसे हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं कल रात को जोधपुर से आ गया था जैसलमेर, अभी सुबह ही पहुंचा हूं। तो इनकेस आपने जोधपुर वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो देख लो, यही कहीं आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, और उसके बाद ये वीडियो देखो। तो मैं अभी सुबह सुबह आ गया हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं बैठा हुआ हूँ गदीसर लेक के पास, जो कि आप देख सकते हो। ये पूरा गदीसर लेक है। फिलहाल आज का प्लान ये है कि मैं आज जैसलमेर सिटी में नहीं रहने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ एक विलेज जिसका नाम है खुरी। तो उधर क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले नज़ारे तो एंजॉय कर लो आप। सो गदीसर लेक का सीन ये है कि यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे बोट्स रखे हुए हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल काफ़ी सुबह हो रखी है तो अभी तो चालू नहीं हुई, कोई कर भी नहीं रहा और कोई है भी नहीं बोटिंग वाला तो। और लेकिन काफ़ी सुंदर है यार जगह, और सुबह सुबह क्योंकि आज अभी मौसम थोड़ा फॉगी हो रखा है क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ही पीसफुल है और लेक काफ़ी बड़ा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ जैसलमेर इज़ एक छतरी बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो मैं ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर से व्यू मेरे को लग रहा है। हाँ, रुको आपको दिखाता हूँ ऊपर से व्यू। मेरी जो खुरी के लिए बस है वो करीब 10-10:15 बजे है, तो अभी मेरे पास 1 घंटा करने को कुछ नहीं। फोर्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि फोर्ट खुलता ही है 9 बजे, और वैसे भी आज इतना फॉगी मौसम है, तो मैंने सोचा कि यहीं आकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, उसके बाद बस पकड़ के फिर सीधे हम निकलेंगे खुरी के लिए। और जोधपुर में तो ठंड नहीं थी इतनी, सिर्फ कल शाम को थोड़ी थोड़ी हवा चली थी, लेकिन आज रात को जब मैं आ रहा था ट्रेन में और जब सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचा ना, क्या बताऊँ आपको, जो ठंड थी ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई, और ये 2 दिन मैं कैसे गुजारने वाला हूँ मेरे को टेंशन हो रही है। ऑलराइट, सो जस्ट अभी मैं बस से उतरा हूँ, खुरी पहुँच गया हूँ। तो एक्चुअली मेरा रिजॉर्ट बस स्टैंड थोड़ा आगे है, मेरा रिजॉर्ट थोड़ा पीछे है, तो अभी जाता हूँ और चेक इन करके फिर मैं आपको अभी मिलता हूँ और बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। सो जस्ट मैं अभी पहुँच गया हूँ अपना रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट का नाम है द डेजर्ट सफारी खुरी। देखता हूँ खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर पूरी खुरी को एक्सप्लोर करेंगे, और प्रॉब्ली डेजर्ट की तरफ भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं कि मुझे डील मिली कैसे। तो यूजुअली मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने स्टेज वगैरह या तो goibibo.com या और फिर booking.com, इन दोनों वेबसाइट से करता हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इन वेबसाइट में क्या होता है, काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं, और goibibo में क्या होता है कि आप जैसे ही कुछ बुक करते हैं उसके बाद आपको गो कैश मिलता है। सो इसमें से मेरे कुछ गो कैश भी डिडक्ट हुए और कुछ ऑफर भी चल रहा था, तो सो दैट्स हाउ आई गॉट दिस ऑफर। और बाकी कुछ नहीं, अभी लंच कर लिया है और नहा वहा लिया है, तो थोड़ी देर बाद अभी हम लोग डेजर्ट में जाएंगे सैम ड्यून चेकआउट करने और ये खुरी विलेज भी देखेंगे। हाँ, तो मैं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं अभी इस वक्त हूँ खुरी विलेज में, जो कि जैसलमेर सिटी से अराउंड 40-50 किलोमीटर्स पड़ता है, 1 घंटा लगता है बस में। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सम सैंड ड्यून्स जाते हैं, लेकिन सम सैंड ड्यून्स में आप सोचो, अगर आप कोई सिटी से आ रहे हो और फिर वहाँ जाके फिर वहाँ पे हज़ारों रिजॉर्ट्स, हज़ारों लोग, फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप डेजर्ट में आ रहे हो, आपका अच्छा डेजर्ट का फील ही नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है। तो खुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कम आते हैं
और यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी बहुत ही खाली खाली मिलेंगे आपको, सिर्फ कुछ गिने चुने रिजॉर्ट से मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं या फिर अगर आप चाहे सेल्फीज भी लेना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आइए, और दिस इज माई रिकमेंडेशन, मुझे अब तक बहुत अच्छा लगा और बाकी शाम को पता चलेगा। तो चलो, आई सी यू इन द इवनिंग। ऑल राइट, सो मैं अभी तैयार हो चुका हूँ डेजर्ट में जाने के लिए। अभी दो 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 लेयर लगा लिए अंदर और बस अब चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको अपना कैंप दिखा देता हूँ। तो ये जो है मैं इसमें ठहरा हुआ हूँ और इनके ऐसे पांच छह कैंप्स बने हुए हैं और कुछ नए बन भी रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये तो था मेरा कैंप, तो अभी चलते हैं डेजर्ट की ओर। तो अभी मैं मेन रोड से जो रोड अंदर आ रही है खुरी विलेज की तरफ, तो मैं अभी उस रोड पे आ चुका हूँ और ये शायद खुरी विलेज ही है। अभी लगभग 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर आगे ही सैंड ड्यून्स आएगा, तो अभी पैदल जाना पड़ेगा। और अभी मेरे को ये भाई मिले, जितेंद्र भाई, और जितेंद्र भाई की मदद से मैं अभी जा रहा हूँ। ये मेरे को दिखा देंगे ड्यून्स में किधर जाना है, कौन सा जगह सही है ना भाई। तो अभी चल रहे, देखते हैं क्या मिलता है आगे। सनसेट होगा ऐसा आशा करते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से होगा। हाँ, कभी कोई पक्का ड्राइवर नहीं होता, जैसे ऊपर जाके डाली में नीचे गई ना, तो सीधे ही ब्रेक मार दिया ना, तो एकदम पलट जाता है। कभी कभी तो टायर भी फट जाता है, धक्का लग रहा है, किसी के लग जाता है सर में। अच्छा, पहुंच गए हम खुरी सैंड ड्यून्स। क्या मजा आ रहा है, क्या लग रहा है सैंड ड्यून्स। अभी मैं खुरी सैंड ड्यून्स में घूम रहा था, तो उधर हमको भैया मिले और भैया ने हमको कहा कि ऊँट की सवारी कर लो, तो हम भैया के साथ चले। भैया से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और ये भैया का ऊँट है, ये ऊँट तो मेल है लेकिन इसका नाम है सोनिया। तो अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा सनसेट देखेंगे उसके बाद चलेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर। ऑलराइट गाइस, सो खुरी सैंड ड्यून्स से वापस आने के बाद मेरे काफ़ी लेट हो गया, एक्चुअली अराउंड 7-7:30 हो गया। तो मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं किया क्योंकि अंधेरे में क्या भी दिखाना। फिर अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 9:30 बजे और मैंने डिनर कर लिया है। तो पहला दिन मेरा जैसलमेर में काफ़ी अच्छा गया, बहुत कुछ डिफरेंट किया और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। और बाकी कल मैं इस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहा हूँ, लेकिन खुरी से नहीं जा रहा हूँ, खुरी में ही रहूँगा लेकिन एक दूसरी जगह जा रहा हूँ और वहाँ पे और भी मज़ेदार चीज़ें करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। और बाकी अभी तो सोऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मेरा जैसलमेर आने का मेन मोटिव ही था स्टार गेजिंग और एस्ट्रो फोटोग्राफी। तो अभी तो टाइम है थोड़ी बहुत, मैं अभी बाहर थोड़ा रेकी करूँगा जगह को और उसके बाद देखते हैं कैसा कैसा शॉट मिलता है। चलो, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर एक थम्स अप दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, यू रॉक। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।